हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास फिफ्थ में, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर फर्स्ट को पढ़ा था। आज फिफ्थ क्लास में चैप्टर सेकंड। रही बात क्वेश्चन आंसर की फर्स्ट चैप्टर के, तो वो आपको मिल जाएंगे। अब देखो पहला पार्ट। चैप्टर सेकंड का नाम है लेट्स लर्न प्राणायाम। आज जो चैप्टर है उसका नाम है प्राणायाम। क्या है प्राणायाम? प्राणायाम एक प्रकार का योग होता है। देखो, शिवम एंड नितिन वर द स्टूडेंट ऑफ क्लास फिफ्थ। यानी शिवम और नितिन है जो क्लास फिफ्थ के बहुत स्टूडेंट्स है। वन डे दे वेंट टू अ पार्क फॉर मॉर्निंग वॉक। मतलब एक दिन की बात है, वो दोनों मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क में गए थे। इन द मिडल ऑफ द क्लास पार्क सम पीपल वर सिटिंग। वहाँ पार्क के बीच में, मिडल में कुछ लोग बैठे हुए थे। शिवम वेंट देयर टू सी वॉट दे आर वर डूइंग। शिवम उनके बीच में गया और उनको देखा कि वो लोग क्या कर रहे हैं। नितिन ऑल्सो कम देयर। नितिन भी वहाँ गया। अ योगा टीचर वॉज गिविंग सम इंस्ट्रक्शन अबाउट प्राणायाम। वहाँ पे एक योगा टीचर भी थी या थे, जो भी मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, वो वहाँ पे उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कुछ, सबको बिठा के। प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ अ ब्रेथ। वो ऐसे बता रहे थे, प्राणायाम है जो अपनी जो ब्रेथ होती है, सांसों को नियमित करने और उसको एक्सटेंशन बढ़ाने में मदद करता है। रिड्यूस मतलब हम जब भी प्राणायाम करते हैं तो जीवन है जो लंबा हो जाता है। रिड्यूस्ड ब्रीथिंग रेट हैज अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। अगर ब्रीथिंग रेट अगर बढ़े तो उसके हमारे शरीर को बहुत सारे फायदे होते हैं। ये वो मतलब योगा टीचर बता रहा है। प्राणायाम स्लोज डाउन हार्ट रेट एंड रिड्यूस्ड ब्लड प्रेशर एंड रिलैक्सेस बॉडी। मतलब प्राणायाम करने से क्या होता है, जो हार्ट रेट होती है वो हमेशा स्लो हो जाती है, और मतलब कम, जो ज्यादा तेज हो जाती है उसकी जो तेज नहीं होती है वो स्लो रहती है, और रिड्यूस ब्लड प्रेशर में रिड्यूस हो जाता है, और रिलैक्सेस बॉडी को रिलैक्स मिल जाता है, और माइंड भी रिलैक्स यानी फ्री हो जाता है। प्राणायाम इंक्रीज अवर लाइफ। प्राणायाम से हमारी लाइफ है जो इंक्रीज होती जाती है। इट शुड बी डन इज एन एम्प्टी स्टोमक। इसको हमेशा भूखे पेट के करना चाहिए प्राणायाम को। खाना खा के आप प्राणायाम नहीं कर सकते। यू कैन ऑल्सो, इसका मतलब साफ है कि उसकी पेट से कोई इनको रिलेशन जरूर, क्योंकि योग आप कोई भी करो उसमें बॉडी के सारे पार्ट एक्टिव होते ही है। यू कैन ऑल्सो डू इट इन द इवनिंग। आप ये शाम को भी कर सकते हो, बट देयर शुड बी गैप ऑफ 4 hours आफ्टर द लास्ट मील। पर उसके बीच में आपने जो खाना खाया है लास्ट मील यानी जब भी किया है, उसके और आपके प्राणायाम करने के बीच कम से कम 4 घंटे का गैप होना चाहिए। बहुत द स्टूडेंट गॉट इंटरेस्ट। और सबसे बड़ी चीज है, दोनों उसमें सब दोनों इंटरेस्ट ले रहे थे एंड ज्वाइन द ग्रुप आफ्टर टॉकिंग परमिशन फ्रॉम द योगा टीचर। नितिन और दोनों कौन थे, शिवम और नितिन, उन दोनों ने, वो दोनों बहुत इंटरेस्टेड थे बहुत ही उस योगा करने में, तो उन्होंने उनकी परमिशन ली योगा टीचर की और बैठ गए। अब इसकी जो अपने, ये तो इसकी समरी थी, मतलब चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। अब देखो इसकी वर्ड मीनिंग। एक है प्लीजेंट। प्लीजेंट का मतलब होता है प्लीजिंग। एंजॉयबल का मतलब प्लीजिंग या एंजॉयबल। ट्रैक का मतलब होता है सर्कुलर पाथ। पोज का मतलब होता है पोजिशन इन विच समवन स्टैंड्स। वंडर का मतलब टू आस्क योर सेल्फ क्वेश्चन और एक्सपायर्स और विद नो अबाउट समथिंग। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है डिजायर टू नो अबाउट समथिंग। एक्सटेंशन मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ एडिंग और टू समथिंग। रिड्यूस का मतलब होता है टू लॉस। और प्रीफेरली का मतलब होता है इन अ वे दैट इज वर सेटाइबल। सीक मीनिंग होता है टू आस्क। कामली का मीनिंग होता है इन अ वे दैट सो यू आर एक्ट एक्साइटेड। स्लाइटली का मीन होता है अ लिटल। कंफर्टेबली का मीन होता है इजीली। एम्प्टी का मीन होता है वैकेंट। और स्टोमक का होता है बेली। ब्रीथिंग रेट का मीन होता है रेस्पिरेशन रेट। ब्लड प्रेशर का मतलब प्रेशर ऑफ ब्लड। माइंड का मतलब मेमोरी या मेमोरी। इंटरेस्टेड का मतलब हैविंग इंटरेस्ट। गैप का मतलब होता है टू ओपन माउथ वाइड। स्टेप्स मीनिंग होता है मार्क लेफ्ट बाय फुट ऑन द ग्राउंड। अब ये लर्न का मतलब टू एक्वायर नॉलेज, मतलब कुछ सीखना। नेम का मतलब टू नॉमिनेट परफॉर्म एनी डूइंग एक्ट। प्रेयर का मतलब सोलेमन एड्रेस टू गॉड टू आस्क फॉर ग्राउंड। असेंबली का मतलब अ मीटिंग होता है, अ गैदरिंग। चेंज का मतलब टू कन्वर्ट होता है। फील का मतलब एक्सप्लोर बाय टच होता है। और बॉडी का मतलब मेटेरियल ऑर्गेनिज्म। और अबाउट का मतलब ऑल अराउंड फ्रॉम आउटसाइड। बेनिफिट का मीन होता है प्रॉफिट गेन या एडवांटेज। स्टूडेंट मीन होता है वन हु गेट्स स्टडी इन स्कूल और कॉलेज। आज के लिए बस इतना ही। समरी ऑफ द पोइम और वोकेबलरी पढ़ी। आपको इस पैराग्राफ में वोकेबलरी को है जो पहले लिखना है। HW में आज का HW इस चैप्टर के लिए यही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।